होटल में जो बैग था ना उसी में था। सर मैं अभी निकला, बस अभी निकला तो हम अभी खड़े हैं इधर, अभी इसीलिए तो वेट कर रहे हैं, कोई आए हम उसको रुकाएं, चेकिंग करें। होटल में जो बैग था ना उसी में था। हम कुछ नहीं करते, आप तलाशी करो सर, चेकिंग नहीं मैं नहीं करता हूँ सर, बाकी बॉसू बॉसू देखो आप, चेकिंग करो सर, हमारी चेकिंग करो सर। ये किस लिए रखा हुआ है? सर हम होटल वरदान में है सर। हाँ कोई बात नहीं, आप जी सर मैं पैसे निकालने गया था यहाँ पर सर। सीट बेल्ट कहाँ डाली है ना आपने? सीट बेल्ट कहाँ डाली है आपने? सर मैं अभी निकला, बस अभी निकला तो हम अभी खड़े हैं इधर, अभी इसीलिए तो वेट कर रहे हैं, कोई आए हम उसको रुकाएं, चेकिंग करें। एक तो बैग उन्हीं का है सर, हम कुछ नहीं करने सर, उन्हीं का है। होटल में जो बैग था ना उसी में था। हम कुछ नहीं करते, आप तलाशी करो सर, चेकिंग नहीं मैं नहीं करता हूँ सर, बाकी बॉसू बॉसू देखो आप, चेकिंग करो सर, हमारी चेकिंग करो सर। किस लिए रखा हुआ है? जीरो बैग मेरा नहीं है, बैग उसका है सर, ये आ गया मेरा सर, हमें एटीएम पे जाना था सर, बाकी कुछ नहीं है सर, सर बाकी कुछ नहीं, जो तलाशी भी करो सर। हम तो होटल में थे सर, इसलिए हमें एटीएम पे जाना था, मैंने सोचा कुछ पैसे निकालेंगे, खाना खाएंगे सर। गाड़ी चाबी का सर बटवाए सर, आप चेकिंग चाबी कहाँ गाड़ी चाबी है? चाबी सर आप चेकिंग सर, चाबी कहाँ है? सर चेकिंग भी करो सर, थोड़ी बस हो गई चेकिंग, अब क्या कर ली चेकिंग करो, ये चीज़ें बहुत मायना रखती है सर। ये मैंने बोला सर यहाँ खड़ा नहीं है सर। भाई जिसका मर्जी है, गाड़ी तो आपकी है ना। बड़ी खबर इस समय की जम्मू से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि जम्मू जिले की नौबाद पुलिस द्वारा एक स्पेशल नाका यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन ऐसे में चेकिंग के दौरान इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इस गाड़ी के अंदर से कुछ इंजेक्शन जो है वो मिले हैं, जिसका जेरी नंबर JK01N3334N है, और अभी फिलहाल पुलिस द्वारा इस गाड़ी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में एक बैग पड़ा था, और बैग में से जब पुलिस ने उसे खोलकर देखा तो उसमें से कुछ इंजेक्शन जो है मिले हैं। ये दो युवक हैं जो कि उस गाड़ी में सवार थे। बड़ी खबर इस समय की जम्मू सिटी से ये दिखाते हुए कि ये वो व्यक्ति है जिसे फिलहाल इस गाड़ी में मौजूद था, और अभी पुलिस द्वारा इस गाड़ी को यहाँ से ले जाकर ले जाया जाता हुआ, गाड़ी के बैग में, गाड़ी के अंदर जो बैग पड़ा था उस के अंदर जो है वो कुछ इंजेक्शन वगैरह पड़े हुए थे, और उसी के शक के आधार पर पुलिस द्वारा इस गाड़ी को जो है फिलहाल नौबाद थाने ले जाया जा रहा है, और अब आगे की इंक्वायरी जो भी रहेगी वो जो है वो की जाएगी। मेरे साथ आओ, खाना खाएगा खाऊंगा मैं, बस दोनों को तो आप देख सकते हैं कि नौबाद पुलिस द्वारा इन दोनों युवकों को फिलहाल थाने जो है वो ले जाया जाएगा, और अब आगे की जो भी इंक्वायरी रहेगी वो जो है वो की जाएगी। तो बड़ी कामयाबी इस समय की माने तो नौबाद पुलिस के हाथ में लगी। आपको बता दी चले कि नौबाद पुलिस द्वारा एक बड़ा नाका जम्मू के डोगरा चौक में लगाया गया था, लेकिन ऐसे में एक मारुति कार को जब रोका गया तो उसकी जब तलाशी ली गई तो बैग में कुछ इंजेक्शन पाए गए हैं, और उसी के चलते इन दोनों युवकों को इस समय पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। ये दोनों जो भाई साहब क्यों लिया, पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे सर। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो देख सकते हैं कि इन भाई साहब का ये कहना है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जो लाइव कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें देखा आपने कि किस तरह से कुछ इंजेक्शन वगैरह जो है वो इनकी गाड़ी से मिले हैं, और जिसके बाद गाड़ी को फिलहाल पुलिस ले गई है, लेकिन उसके बाद इन युवकों को भी पुलिस अपनी हिरासत में जो है वो ले रही है। बड़ा नाका इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान काफी ज्यादा
मुस्तैदी के साथ यहाँ पर इस समय काम कर रहे हैं, और नशा अगर कोई करने वाला है या फिर कोई बेचने वाला है तो उसे जो है वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये साबित जो है वो नौबाद थाने के SHO सुरेंद्र सिंह रैना साहब ने यहाँ पर करके दिखा दिया है। जिस तरह से लगातार आज दिन जो है वो जम्मू में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर नाके देखने को मिलते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि नौबाद थाने की गाड़ी यहाँ पर है और इस गाड़ी में डालकर दो युवकों को यहाँ से ले जाता हुआ। तो फिलहाल अभी ज्यादा कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक जान से जुड़ा पार्ट रहेगा कि आखिरकार इंक्वायरी के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इनके पास से और क्या कुछ मिलता है। लेकिन जिस तरह से कुछ खाली इंजेक्शन जो कि बैग में से मिले हैं, जब बच्चों उन दोनों युवकों से पुलिस ने जवाब पूछा कि आखिरकार ये इंजेक्शन आपने क्यों रखे हैं, तो वो सही तरीके से उसका जो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उस गाड़ी को भी अपने हिरासत में लिया है नौबाद थाने में, और इन दोनों युवकों को भी हिरासत में लेकर अब आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी वो की जाएगी। आप जनता अपने सुझाव इसमें जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।